बड़ी खबर बता दें, आजमगढ़ कप्तानगंज से जहां माँ बाप की डांट से नाराज होकर बेटी ने उठाया बड़ा कदम, माँ बाप और बहन की कुल्हाड़ी से की हत्या। मौके पर जुटी पुलिस लाश को लिया कब्जे में, भेजा पोस्टमार्टम। आजमगढ़ जिले के थाना कप्तानगंज के धनधारी गांव निवासी राजन सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह एक बोरी गेहूं चोरी कर लिया था, जिससे नाराज होकर भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुनीता सिंह ने डांट फटकार लगाई और डांट फटकार से नाराज हो गया। बीती देर रात 2 बजे भानु प्रताप सिंह माँ सुनीता सिंह, बहन राशि और बाप को कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। इस बात की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी, उन्होंने थाने पर फोन किया और मौके पर सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर कप्तान राजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। इसकी सूचना मिलते ही DIG अखिलेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अरुण दीक्षित, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर सिद्धार्थ तोमर सहित अतरौलिया इंस्पेक्टर परमेंद्र कुमार सिंह, अहरौला इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह सहित अनेक लोग पहुंच गए। मौके पर डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंच गई। जैसे इस बात की सूचना राजन सिंह और बहन रानी सिंह को मिली, वह आजमगढ़ अपने बड़े पिता के यहाँ शादी है तैयारी के लिए गए थी, जहां आते ही दहाड़ मार कर रोने लगे। भानु प्रताप सिंह 3 भाई हैं और भानु प्रताप सिंह, उदय भान सिंह, भूपत सिंह 3 भाई मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। वहीं लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रिपल हत्याकांड से पूरा घर और पूरा नगर शोक में डूबा हुआ है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद। थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में आज सुबह सूचना मिली कि राजन सिंह उम्र 20 वर्ष के द्वारा अपने पिता श्री भानु प्रताप सिंह, माता श्रीमती सुनीता सिंह और 13 वर्षीय बहन की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल SHO, CO, एडिशनल SVRA, मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। IG सर आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। इनके द्वारा एविडेंस कलेक्शन पूरा किया जा रहा है। अभियुक्त वर्तमान में फरार है, इसका नाम है राजन सिंह, उम्र लगभग 20 वर्ष है। इसके द्वारा अपने पिता, माता और बहन की हत्या की गई है। विस्तृत घटना की जानकारी, घटना के कारणों की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल SPRA के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें SOG सर्विलांस को भी शामिल किया गया है, 2 CEOs को शामिल किया गया है। बहुत ही जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और कठोर कार्रवाई हम लोग इसमें इंश्योर करेंगे। जैसे से पता चल रहा है गेहूँ की चोरी या गेहूँ की बेचने के, ऐसा लड़के ने कुछ किया ऐसा कुछ सर? ये गांव के कुछ लोगों के द्वारा कई तरह की बातें बताई गई हैं, उनसे हमारे द्वारा विस्तृत रूप से बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और क्या कारण रहे कि इसके द्वारा अपने पिता, माता और बहन की हत्या की गई, इसके संबंध में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2 टीमों का गठन इसी चीज़ के लिए किया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये जानकारी करने के लिए कि घटना किन कारणों से हुई, किस प्रकार से हुई, ये विस्तृत जानकारी करने के लिए।